हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एस एस सी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने वाले झारखंड का एग्ज़ाम के बारे में। आपको भी पता है कि झारखंड का जो रवैया चल रहा है दोस्तों अभी, ठीक है, कहीं से किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक न्यूज़ निकल के आ रहा दोस्तों कि झारखंड में एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा, आखिर एग्ज़ाम होगा तो क्यों होगा, उससे पहले बात करना। ठीक है, देख सकते हैं सांसद जी, पहले ये देखिए, पहले ये कटिंग को पहले देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, झारखंड के सांसद धीरज साहू के करीबी के ठिकानों पर आईटी की रेट में 100 करोड़ से अधिक कैश मिलने की सूचना। मतलब 100 करोड़ कैश, भैया ये तो बस ऐसे ही होगा, ये तो ट्रेलर होगा, ये ट्रेलर समझ, ट्रेलर क्या होता है, अलग चीज़ होता है, और मूवी क्या होता है पता ही होगा। 100 करोड़ रुपया कैश आप जोड़ लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों ये अकेले नहीं है, झारखंड में हम पहले बता चुके हैं जितना भी विधायक, 81 विधायक जितना है, और जितना भी MP वगैरह है, ठीक है, इसमें से कुछ लोग छोड़ के, मतलब 2-3% छोड़ के, सारे के सारे लोग ये काम कर रहे हैं झारखंड में। आप उसको न्यूज पढ़िएगा, कहीं मीडिया में देखिएगा, कौन सा जो थे अभी अपना नाम से तो किया ही किया, अपने रिश्तेदारों के नाम से, फिर अलग अलग जो रिलेटिव जो है उसके नाम से अलग अलग प्रॉपर्टी का तैयार किया हुआ, 100 करोड़ रुपये कैश बरामद। सोच सकते कितना बड़ा रकम है। तो भैया इन लोग पैसा, इन लोग नौकरी, इन लोग एग्ज़ाम क्यों करवाना चाहेगा, सबसे पहली बात तो यही है ना। सबका जितना भी मंत्री विधायक सब हराम का खा रहा है ना, शुरू से खा रहा है, अभी से नहीं, शुरू से खाते आ रहा है इन लोग का। तो इन लोग इसीलिए एग्ज़ाम हो या ना, इन लोग कोई इंटरेस्ट नहीं, बता रहे हैं आपको, आप लोग कहीं में भटकिए, ये आंदोलन कीजिए, कुछ सुनता ही नहीं। ठीक है, तो JSSC CGL एग्ज़ाम इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इससे इन लोग का अच्छा खासा इनकम होता है दोस्तों, काफ़ी लोग, क्योंकि इन लोग को एक डिपार्टमेंट में 4-4 लोग काम करते हैं, इन लोग को काम आसानी से हो जाता है, और इन लोग आसानी से करप्ट, मतलब आसानी से इन लोग मतलब करप्ट कर लेता है, ताकि पता ना चले सिस्टम को। यदि एग्जाम ले लेगा, ज्वाइनिंग करवा देगा, तो नए नए बच्चे जाएंगे उसमें, फिर पता चलेगा इसका पर्दाफाश हो जाएगा, इसी वजह से इन्होंने नहीं ले रहा जानबूझ के। इसमें सब लोग है, एक नहीं है, अधिकारी लोग भी है, आप लोग न्यूज़ में देख लीजिए, पूजा सिंगल का बेस्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, नेता लोग, इन लोग तो चोर तो पहले से बता चुके हैं, मंत्री लोग तो इससे भी बड़ा चोर होता है इन लोग। ठीक है, किसी का जमीन हड़प लिया, किसी कुछ, सब यही काम कर रहा है, 81 विधायक लोग ये काम कर रहा है दोस्तों, जितना भी कुछ सांसद भी उन लोग ये काम कर रहा है, पूरा सिस्टम झारखंड में करप्ट है, इसी वजह से झारखंड में एग्जाम नहीं हो पा रहा है। और ये क्या करेगा, चुनाव के टाइम पे आपके घर चला जाएगा, वोट मांगेगा, 1,000 रुपया 1,500 रुपये दे देगा, आप उसी में खुश हो जाइएगा और वोट देख जिता दीजिएगा। सोचिए 1,000 के लिए कितना करोड़ रुपया कमा रहा है, सोच सकते हैं आप लोग। ठीक है, बता रहे इन लोगों को इतना ज़्यादा करप्शन झारखंड में है दोस्तों, इसी वजह से लोग एग्ज़ाम नहीं दे रहा है। नेता लोग यदि ईमानदार होता ना, तो जितने छात्र सड़क पर भटके हुए 1 साल 2 साल से, तो कोई ना कोई सामने आकर जरूर छात्रों को साथ देता है, नहीं भाई होना चाहिए एग्ज़ाम, क्यों नहीं होगा भाई, इन लोग भी थमले जैसे प्राणी है। हम लोग एक समय चुनाव मान लेके और 20 दिन के लिए टाल दिया जाए, रिजल्ट का देखे कैसा लगेगा उन लोगों को, इन लोग तो भाई 8-8 साल टाला जा रहा है, फिर भी एग्ज़ाम होना चाहिए, इसमें चाहे जैसे होना चाहिए, लेकिन इन लोगों को मतलब कोई बताने वाला कोई कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो कितना गाली दे बताइए इन लोगों को, गाली भी इन लोगों के लिए छोटा नाम, छोटा चीज़ लगता है अब तो। ठीक है, मतलब सोचें 100 करोड़ रुपया कैश एक जगह नहीं है, कितना जगह इसका पैसा मिला, न्यूज देखिएगा, पूरा पढ़ें, इसलिए बात बता रहे हैं, इतना ज़्यादा करप्ट लोग वहाँ पे हैं झारखंड में सारे के सारे, ये पता नहीं इन लोग किस खानदान से इन लोग पैदा हुआ है, पता नहीं इन लोग खानदान करप्शन वाला था कि पता नहीं क्या था। ठीक है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसमें पूरा का पूरा सिस्टम, सब एक एक चीज़ अधिकारी से लेकर नेता मंत्री मुख्यमंत्री सब इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों, ठीक है, देखो सेंट्रल में गवर्नमेंट किसका है, बीजेपी का, तो बीजेपी का जांच तो होगा नहीं अभी, ये बात तो मान लीजिए। कई लोग विपक्ष के बोलते हैं कि उसका जाँच क्यों नहीं कराता, भाई क्यों करवाएगा उसका पार्टी, उसका जाँच क्यों करवाएगा। हाँ, जब कहीं और सरकार में, मतलब किसी पार्टी का जब प्रधानमंत्री अलग पार्टी का जब बनेगा फ्यूचर में कभी, तो फिर बीजेपी का जाँच होगा, उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। तो फिलहाल जितना भी अभी मुख्यमंत्री जो जितना भी अभी सांसद विधायक है झारखंड, सब पे जांच करवा दिया जाए, इसी तरह करके बहुत खुशी लग रहा है दोस्तों, सच बता रहे हैं, सबका जांच होना चाहिए इस तरह का, सारे विधायक का, मैक्सिमम लोग को। देखिएगा दोस्तों, सारे के बता रहे कैश, इसके पास तो 100 करोड़ मिला है, हर लोगों के पास 5-5 करोड़ मिल सकता है, 5-5 करोड़ कैश मिल सकता है दोस्तों, चाहे कितना छोटा विधायक क्यों ना हो। ठीक है, चाहे GMM का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे निर्दलीय कोई विधायक हो, सबके पास इतना दोस्तों, बस इन लोगों का टारगेट यही है कि चुनाव एक बार जीत जाओ, जितना ज़्यादा हड़प सकते हड़पो। ठीक है, एक पीढ़ी ने कम से कम 4-5 पीढ़ी तक उस पैसा को चला सके, हालांकि वो पैसा आ तो जाता है लेकिन वो काम का नहीं आता, क्यों, क्योंकि किसी का देख लेता है, बड़े बड़े आदमी एक्सीडेंट में मार जाता है, उसका फैमिली का एकदम कुत्ता की तरह मौत हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, देखे तो टिकता नहीं इन लोग, भाई इन लोग हराम का पैसा कितना दिन चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये गरीब का पैसा है ना, गरीब का खून चूस के लोग पैसा, पता ही नहीं 100 करोड़ रुपये कहाँ से लाया हुआ, इसका बाप पैदा करके गया था क्या, ये जो 100 करोड़ पकड़ाया कहाँ गया, देखिए जो 100 करोड़ पकड़ाया इसके यहाँ, क्या इसका बाप दिया था गला के, ये गरीब का पैसा भाई, ये गरीबों को पैसा लूट के यहाँ पे जमा किया, हालांकि पकड़ा एक जगह से पकड़ाया, सोचिए इसका कहाँ का ठिकाना होगा, कितना होगा, करोड़ों होगा,
अरबों खरबों पैसा इसके पास अभी होगा दोस्तों। और कितना साल से विधायक सांसद कर रहा होगा ये, ठीक है। यही बात आपको शुरू से बोलते आ रहे दोस्तों, इसलिए इन लोग एग्जाम नहीं कराना चाहता है, ठीक है। और आप लोग हैं जो बस सिर्फ कमेंट करना जानते हैं, प्रोटेस्ट में जाते हैं, मांग करते हैं, नहीं तो क्या कीजिएगा, कीजिए फिर ऐसे ही। झारखंड में एग्जाम वगैरह सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम भी होता है उसमें से भी, देखिए इन लोग तो इधर धांधली करता ही करता है, ऊपर से जो एग्जाम भी हो भी जाता है मान लीजिए किस तरह करके, इसमें भी इन लोग सीट भेज देता है। कुछ विधायक का नाम सामने है दोस्तों मेरे पास, इसको खुलासा करेंगे। कुछ कुछ तीन चार विधायक मेरे नज़र में है, जिनको छात्र बताया कि इन लोग ये सब पेपर में धांधली करता है और इन लोग सीट भेजता है, सीट भेजता है इन लोग पेपर में जो भी एग्जाम होता है, जेपीएससी जीएसएससी के बड़े बड़े एग्जाम का, जैसे भी राजस्थान में कैसे पकड़ाया था, मंत्री लोग पकड़ाए थे ना उसमें पेपर, पता चल गया वहाँ के चुनाव के बारे में, ठीक है। देखे ना कैसे चला गया इन लोग, रिजल्ट आया पता चली गया चुनाव का क्या हुआ सो, ठीक। वैसे झारखंड में होगा, कई लोग फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, पैसा तो इन लोग अरबों खरबों छाप लेता है तब तक गरीब को चूस के, ठीक है। और इन लोग देखे ना बीमारी हो जाता था, हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसे मर जाते, पता नहीं मतलब जिस उम्र में इसको टिकना चाहिए 50-55-60 की उम्र में इन लोग मर जाते हैं इन लोग, ठीक है। यही कारण बद्दुआ के कारण मरते हैं लोग, ठीक है, लूटता है गरीबों की वजह से, ठीक है। तो बहुत दुख लगता है दोस्तों ये सब चीज़ सुनने के बाद, जहाँ एग्ज़ाम होना चाहिए वहाँ कुछ होने रहा है, बस यही सब सुनने के बाद और खून में क्या बोलते हैं खून खोलने लगता है कि इन लोग हराम खोरन एग्ज़ाम करवाता नहीं है। और देखिए पैसा 100 करोड़ रुपये बरामद हो गया, ठीक है। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा, हम गलत है तो ज़रूर हमको बताइएगा कि गलत है। देखिए कुछ लोगों को गलत लगता है इस बात को कि पता नहीं किस चीज़ का वीडियो बना, भाई बनाएंगे क्यों नहीं भाई, हैं इस तरह का जब बात चल रहा है आपको तो जाना चाहिए, हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी चैनल है मेरे पास तो बना देते हैं भाई, ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम वगैरह भी फिलहाल तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा सीजल एग्ज़ाम, ठीक है। ये जितने भी अधिकारी लोग सब करप्ट है और सब एक ही मकसद है, लूटो यहाँ पे और बेवकूफ़ बनाओ जनता को, जो कि बनता भी झारखंड आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं। यही काम बिहार में करके दिखा दो, सीने पर चढ़ के ले लेता है भैया डिसीजन, 24 घंटे के अंदर ले लेता है इन लोग, लेकिन झारखंड में ऐसा इतना गट्स नहीं है, ठीक है। खैर चलिए जो भी है दोस्तों, तो ये हमारे मुख्यमंत्री इसको कौन सा हुए नाम तो नाम याद रखना पड़ेगा ना, धीरज साहू जी, बहुत 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 अच्छे काम कर रहे हैं, ऐसे ही काम करते रहिए ताकि झारखंड आगे बढ़ते रहे, ठीक है। तो हमको बता देते हैं एक अकेला आदमी नहीं है, 81 जितना भी MP है सब मिला हुआ है इसमें, ठीक है। सब लोग काम करता है, एक नहीं काम कर रहा है, ठीक है। बाकी चुनाव जब आएगा तो आपको दे देगा 500, खुश हो जाइएगा, ठीक है। तो उसमें मुर्गा दारू जो मिलेगा ले लीजिएगा, बस फीचर उसी में तो है आपका ना, कर भी क्या कर सकते हैं आप, 1000 भी हम खुश हो जा रहे तो जनता ने चुना आप लोग, निर्दलीय भी को खड़ा हो रहा है। देखिए आदमी को इंसान देकर वोट दीजिए, ना कि पार्टी देख के, ना BJP आपकी है, ना कांग्रेस है, ना GMM RJD कोई आपका नहीं है। सबका मकसद है झारखंड में लूटो, लूट खसीट मचाओ, चुनाव जीत जाओ, जितना ज़्यादा प्रॉपर्टी कर सकता हो करो, ठीक है, दूसरे दूसरे नाम से। अरे हो ही रहा है आपसे, ठीक है ना। खैर चलिए, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं धीरज साहू, उम्मीद करते हैं ऐसे ही आगे करें और हमारा झारखंड ऐसे ही बढ़ते रहे, ठीक है। एग्ज़ाम का तो कुछ पता ही नहीं है, एग्ज़ाम के बारे में तो कुछ बोलेंगे भी नहीं हम, ठीक है, कि क्योंकि इतना सी बना के लोगों को लूट रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वही है करना लास्ट में, कि छात्र लोग तो बोल रहा है कि जाके JSSU पे जाए, फांसी लगा मर जाए, फांसी नहीं लगाना भाई, आप क्यों मरिएगा उसके लिए, JSSU पे जाकर वहाँ पे आगे लगा दो पूरा ऑफिस को, ही मतलब ही ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। और ताला बंद कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ख़त्म हो जाएगा। फिर आयोग बना किस लिए, JSSU बनाया क्यों भाई, JSSU इसीलिए बनाया गया ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी दे सके, लेकिन यह कुछ नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सी बनाया जा सके जनता, वो काम कर रहा है JSSU और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए इसीलिए कोई नेता का ध्यान नौकरी में नहीं है, अब समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम बताना चाहते हैं कि जितना भी नेता मंत्री अधिकारी लोग हैं उसका ध्यान नौकरी में नहीं है कि छात्र को कैसे नौकरी दिया जाए, बस उसका ध्यान ये है कि पैसा कहाँ से आया जाए, कैसे करप्ट किया जाए, कैसे खून चूसा जाए गरीबों, वो चीज़ ध्यान में इसका ज़्यादा है, ठीक है। बस मीडिया में कभी कभार आ जाता तो पूछ देता है नौकरी का, हाँ जरूर होगा, JSSU ऑफिस में नौकरी देना चाहिए, क्यों नहीं दे रहा भाई, कार्रवाई होगा इस पर, बस बोल देता है इसमें ताकि आप खुश हो जाए, अरे वाह ये विधायक तो हमारे साथ है। अभी देखिएगा ना बैकी भी स्टेटमेंट आएगा चुनाव के टाइम पे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और करेगा कुछ नहीं कोई, ठीक है ना। चलिए खैर जो भी है, 100 करोड़ रुपये बहुत बड़ा नहीं होता है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा है, उसके लिए 100 करोड़ तो यार 10-20 रुपये काम है यार, ये तो एक दिन का काम ही समझ लोगा, ठीक है। चलिए खैर जो भी है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।